मर्डर कराने की साजिश रची जा रही है, उनको मुंहतोड़ जवाब हम देंगे, नरेंद्र मोदी जी का खाल उधरवा लेंगे, नरेंद्र मोदी का खाल उधरवा लेंगे। दम है तो सामने आए पीएम मोदी या सीएम नीतीश चीर कर रख देंगे। जी हाँ, ये किसी और ने नहीं बल्कि लालू के लाल ने कहा है। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव आजकल गुस्से में है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दम हो तो नीतीश कुमार सुशील मोदी सामने आ जाएं, तेज प्रताप और तेजस्वी उन्हें चीर देंगे। अपने पिता को अपना पॉलिटिकल गुरु बताते हुए उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया है, हम उनकी रिहाई के लिए जल्दी ही लालू प्रसाद आंदोलन यानी LP मूवमेंट शुरू करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी को एक साथ निशाने पर लिया और कहा कि ये लोग पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं, दम है तो सामने आए, तेज प्रताप और तेजस्वी उन्हें चीर कर रख देंगे। उन्होंने कहा कि बदलाव यात्रा में आने वाली भीड़ बताती है कि लोग भी ये समझ रहे हैं कि लालू जी को झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हमने लालू यादव के जेल से भेजे हर संदेश को घर घर पहुँचाया है। तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी और बजरंग दल के लोग चाहते हैं कि गरीब का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठे। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं गंगा मैया ने बुलाया है, लेकिन गंगा मैया तो किसी को सिर्फ एक बार ही बुलाती हैं, वे तो डिग्रीधारी छात्रों को पकौड़ा बेचने को कह रहे हैं और अपना चेहरा चमकाते हैं। तेज प्रताप यादव के बंगला खाली करने पर तेज प्रताप ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी यादव का बंगला खाली करवा दिए, लेकिन कल तेजस्वी सीएम बनेंगे तो वो घर फिर से उनका होगा। उन्होंने कहा मेरे पिताजी कहते थे सुशील मोदी सेक्रेटरी थे, लेकिन आज 11 स्टार मॉल बनवा रहे हैं। तेज प्रताप यादव सोमवार को अपनी पार्टी दफ्तर में छात्रों से मिले और एलपी मूवमेंट जल्दी ही शुरू करने की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र जब तक गंभीर नहीं होंगे आंदोलन सफल नहीं होगा, लेकिन युवाओं को जोश में होश नहीं खोना चाहिए।